जबलपुर के गंगापुर थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने 10 दुकानों में चोरी की है। चोरों ने देर रात एक साथ 10 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। व्यापारियों की माने तो क्षेत्र में घमापुर पुलिस द्वारा गश्त न करने के कारण चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उधर मामले में घमापुर थाना टीआई दिलीप श्रीवास्तव का कहना है कि पूरे अधिकार जीसीएफ स्टेट के पास है, वह दुकानों से किराया भी ले रहा है, पर सुरक्षा के किसी भी प्रकार के इंतजाम जीसीएफ स्टेट के द्वारा नहीं किए गए हैं। पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त करती है। ये छह जगह कांचवा चुंगी चौकी अखाड़े वाली लाइन में ये ताले टूटे हैं और ये रात में होता है यहाँ पर, तो अभी कोई रहता नहीं, स्टेट का एरिया है ठीक, और ना कोई गश्त है ना कुछ। अभी भाई गश्त क्या है, 10 बजे तक रहती है, 11 बजे तक रहती है, फिर उसके बाद में सब अपना यहाँ वैसे ही कोई नहीं दिखता ना कोई सोता है, और कुछ बीच में इन दुकानों के ताले टूटे हैं, सभी लोगों का नुकसान हो गया है। क्या 7-8 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं, ये रात में यानी करीब 3:30 के लगभग रात है जो हुआ, उसके पहले अभी आगे के दो तीन दुकानों के आगे भी 4-5 दिन पहले टूटे हैं ताले। एक हमें परेशानी है जीसीएफ से, जीसीएफ हमसे दुकानों का किराया वसूलती है लेकिन हमें सुरक्षा बिल्कुल मुहैया नहीं कराती। सारे अधिकार जीसीएफ के पास हैं, जीसीएफ के कर्मचारी या वहाँ का प्रशासन जब उनसे पैसा लेता है, किराया लेता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था है तो स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था करना भी उनका कर्तव्य है। हम भी अपनी तरफ से चौकसी करते हैं और करते रहेंगे।